वेलकम बैक टू माय चैनल टेग्राफर। सो गाइस फाइनली आज आपको iOS 18.1 बीटा 6 का जो अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। एंड अभी आप देख सकते हो करेंटली बीटा 5 का अपडेट चल रहा है, बट वंस यू गेट टू द बीटा 6 अपडेट आपको आना है सेटिंग्स में, देन चूज करना है सॉफ्टवेयर अपडेट, उसके बाद आपको चूज करना है बीटा अपडेट एंड देन iOS 18 डेवलपर बीटा को चूज करना है। उसके बाद इस पोर्शन पे iOS 18.1 का डेवलपर बीटा 6 का जो अपडेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बट बिफोर इंस्टॉलिंग दिस ह्यूज अपडेट आपको कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि iOS 18 बीटा 5 का जो अपडेट था उसमें गाइस बहुत ज्यादा बग्स, बहुत सारे इश्यूज थे। जैसे कि यहां पर आपका जो एप्लीकेशन का आइकन होता है वो अभी भी यहां पर होम स्क्रीन से अपने आप गायब हो रहे हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो गीक बेंच लिखा तो है लेकिन उसका आइकन नहीं है। साथ ही साथ कीबोर्ड में तो गाइस बहुत ज़्यादा इशू है, जैसे कीबोर्ड में जो वर्ड्स है वो कभी कभी अपने आप अपलिफ्ट हो जाता है, साथ ही में यहाँ पर जो नंबर आपका जो पैड है वो कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है, तो कीबोर्ड में गाइस इससे फ्रस्ट्रेटिंग। साथ में यहाँ पर अगर आप आई मैसेज यूज़ करते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्रैश वगैरह हो रहा था। एट द सेम टाइम एप्पल म्यूजिक में कुछ यूजर्स को जो है अपने आप पॉज होने का भी रिपोर्ट वगैरह आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो रेडिट में किसने पोस्ट भी किया है। So, इस तरीके का यहां पर जो इश्यूज या फिर जो बग है वो iOS 18.1 यहां पर जो डेवलपर बीटा जो 5 अपडेट था उसमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, एट द सेम टाइम मिला था। लेकिन iOS 18 डेवलपर बीटा 6 जो अपडेट आएगा वो मोस्टली यहां पर ये सारे जो बग्स एंड इश्यूज है इसको सॉल्व तो करेगा ही करेगा, लेकिन कुछ और भी चीजें इसके साथ हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप देखो। तो सबसे पहले बात है जिनका थोड़ा सा ओल्डर डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास अगर iPhone 14 है या फिर iPhone 13 है एंड वो चाहते हैं कि लेटेस्ट अपडेट में इंस्टॉल करें, फॉर एग्जाम्पल iOS 18.1 डेवलपर बीटा 6, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि उनके आईफोन में थोड़ा सा ना इंस्टॉल करें तो ही बेहतर है, क्योंकि इंस्टॉल करने से क्या होता है कभी कभी यहाँ पर जो बैटरी हेल्थ है या फिर जो आपका बैटरी ड्रॉप जो होता है बैटरी हेल्थ वो यहाँ पर मैसिव हो जाता है आफ्टर इंस्टॉलिंग दिया अपडेट। जैसे कि मेरे केस में मैं अगर थोड़ा सा बैटरी परसेंटेज दिखाऊं तो बैटरी हेल्थ है अभी 100% एंड 13 साइकिल हुआ है तो बहुत ही कम है। एट द सेम टाइम मेरे पास से अपना iPhone 15 ये भी नया डिवाइस है, लेकिन जो थोड़ा सा पुराना डिवाइस है एंड जिनका यूज हो चुका है 1 साल 1.5 साल एंड जिनका साइकिल काउंट हो चुका है 250, 300, 350, उनके लिए कहूंगा कि अगर वो सोच रहे कि iOS 18.1 में शिफ्ट करे तो मैं कहूंगा कि अभी शिफ्ट मत कीजिए, क्योंकि अब ये बीटा अपडेट है तो बीटा अपडेट की वजह से क्या होता है बैटरी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा ड्रेन होते हैं, तो ये सबसे पहले जो कंसर्न है आपको जो यहाँ पर ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम अगर आपका उसको नया डिवाइस है तो आप यहाँ पर जो इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि बैटरी हेल्थ ड्रॉप होना नया डिवाइस में बहुत ही कम होता है। साथ में यहाँ पर और एक चीज़ है, कुछ लोग कह रहे थे कि iOS 18.0.1 वो अपडेट है पे उनको क्या इसमें शिफ्ट करना चाहिए नहीं, क्योंकि iOS 18.0.1 में बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो बैटरी जो आपका बैकअप है वो कम मिल रहा है। तो लुक गाइस मैं कहूँगा कि कोई भी बीटा अपडेट पे इंस्टॉल नहीं करे तो ही बेहतर है, जितना भी बुरा चीज़ हो iOS 18.0.1 में, क्योंकि ये स्टेबल अपडेट है तो आप वेट कीजिए iOS 18.1 का ऑफिशियल अपडेट के बारे में, एक बार ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा तब आप इंस्टॉल कर सकते हो। पर एज ऑफ नाउ iOS 18.0.1 फार बेटर है देन iOS 18.1, क्योंकि iOS 18.1 में ज़्यादा बग्स है या फिर ज्यादा इश्यूज है एज कंपेयर टू द iOS 18.0.1। नाउ यहां पर और चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो अपडेट है iOS 18.1 आपका डेवलपर बीटा 6 जो कि आ जाएगा उसमें जो है अगर किसी का आईफोन वारंटी में नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अगर आपको थोड़ा सा अपना वारंटी दिखाऊं तो लेट मी गो सेटिंग्स जनरल अबाउट, इसमें आप देख सकते हो कि अगले साल 2025 तक यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अगस्त सितंबर तक मेरा जो आपको वारंटी वो है, लेकिन किसी किसी का आईफोन का ये होता नहीं है, कोई यहाँ पर जो वारंटी वो एक्सपायर हो जाता है इन केस जैसे कि हो गया अगर आपको आईफोन 12 आईफोन 11 है तो अभी वो वारंटी नहीं होगा। तो इन दैट डिवाइस मैं कहूंगा कि आप जो है iOS 18.1 को इंस्टॉल नहीं करें तो ही बेहतर है, क्योंकि बाय चांस अगर ग्रीन स्क्रीन इस टाइप का कुछ इशू आ गया जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है किसी भी यहां पर बीटा अपडेट में, हो सकता है कि आपके साथ हो गया तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए दिक्कत पैदा करता है, क्योंकि डिस्प्ले का चेंज कॉस्ट जो है 30 से 35 लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा ओल्डर डिवाइस है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी बीटा अपडेट को जो अभी के लिए यहां पर आप इंस्टॉल नहीं करें तो ही बेहतर है। नेक्स्ट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहां पर आपका जो डेवलपर बीटा आएगा, मैं जैसे पहले पॉइंट बताया था कि iOS 18.1 डेवलपर बीटा 5 का अपडेट चल रहा है इसमें बग्स है, ऑल दो डेवलपर बीटा जो 6 आएगा वो ये सब बग को ठीक करेगा, लेकिन हो सकता है कुछ नया बग या फिर नया इश्यूज लेके आए तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये बता दूं कि iOS 18.1 जो डेवलपर बीटा 6 का अपडेट आएगा उसमें एज सच कुछ मेजर फीचर्स नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पर एप्पल इंटेलिजेंस पहले से आ चुका है, उसके बाद यहाँ पर सीरी 2.0 यानी जितने आपको iOS 18.1 के जो भी एप्पल इंटेलिजेंस सीरी 2.0 के रिलेटेड जितने भी फीचर्स आने वाले थे वो ऑलरेडी आ चुका है, एज सच कुछ नया यहाँ पर फीचर्स नहीं आएगा। एक यहाँ पर रिमर फीचर है कि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी आपका यहाँ पर जो
टॉगल है वो सेपरेटली आप अभी यहाँ पर आपका जो बाहर है जो है कंट्रोल सेंटर में वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो एज एक सेपरेट टॉगल। जैसे आप यहाँ पर अपना इंटरनेट के लिए, ब्लूटूथ के लिए और आप वाईफाई के लिए सेट किए हो जो कि WWE बीटा 5 के साथ आया था। तो एज सच कुछ मेजर फीचर्स या मेजर चेंजेस भी है आपको देखने को नहीं मिलेगा इन दी अपडेट ऑफ 5.1 WWE बीटा 6। तो मेन बात यह है कि थोड़ा सा अगर ओल्डर डिवाइस है तो आप यहाँ पर इंस्टॉल ना ही करें तो ही बेहतर है। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर 5.0.1 ऑलरेडी अपडेट है एंड अगर आप सोच रहे हो कि अपडेट अच्छा नहीं है, बुरा अपडेट है, इसे बैटरी लाइफ अच्छा नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं कहूंगा कि ये जो अपडेट होगा iOS 10.0.1 ये फार बेटर है देन iOS 10.1, क्योंकि iOS 10.1 ये बीटा अपडेट पे एंड कभी भी बीटा अपडेट कोई ऑफिशियल या स्टेबल अपडेट से अच्छा नहीं होता है। एट द सेम टाइम ग्रीन लाइन इशू या फिर ग्रीन स्क्रीन इशू ये भी आज देखने को मिल सकता है। तो ओल्डर डिवाइस है तो आपको तो देखना भी नहीं है iOS 10.0 या फिर iOS 10.1 से बीटा 6 की तरफ। अगर आपके पास नया डिवाइस है देन यू कैन ट्राई, बट अगेन इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट इट। जब भी iOS 10.1 बीटा 6 का अपडेट आएगा मैं अपना iPhone 16 Plus में इसको यूज करूंगा और यहाँ पर फीचर्स और चेंजेस क्या क्या है उसके बारे में बताऊंगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। एट द सेम टाइम इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।